कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आज करोड़ों रुपए कमाने वाले दिलीप जोशी ने बताया कि कैसे वो एक वक्त पर उन्हें कोई रोल नहीं देता था और एक किरदार निभाने के लिए उन्हें सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने बताया, मैंने थिएटर में एक बैकस्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। उस वक्त कोई भी मुझे रोल देने के लिए तैयार नहीं होता था। मुझे एक किरदार निभाने के लिए 50 रुपए मिलते थे, लेकिन मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। दिलीप जोशी के मुताबिक उन्हें शुरुआती से ही थिएटर के प्रति जुनून था। वो लगातार 25 साल तक गुजराती थिएटर में काम करते रहे। साल 2007 में उन्होंने आखिरी बार एक स्टेज प्ले में काम किया था। आज बिजी होने के चलते वो थिएटर नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें ये बहुत याद आते हैं। दिलीप जोशी सबसे पहली बार फिल्मों में नजर आए थे साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया ने। उन्होंने रामू का किरदार निभाया था। इसके बाद वो हम आपके है कौन, यश, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420 और हमराज जैसे फिल्मों भी नजर आए। टेलीविजन पर दिलीप जोशी ने सबसे पहले धारावाहिक कभी ये कभी वो में काम किया था। ये साल 1995 में प्रसारित हुआ था। इसके बाद वो कोरा कागज, हम सब एक है, CID, FIR जैसे टीवी सीरियल में भी नजर आए। लेकिन सही मायने में दिलीप जोशी की पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली। जेठालाल के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्ध कर दिया है। तो फ्रेंड, आपको जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी कैसे लगते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।